हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा आप लोगों को, और देखो बहुत ही अच्छे तरीका से देखना और अच्छे से समझना। अभी बहुत सारा आएगा न्यू न्यू वीडियो कि मार्क्स कैसे लाया जाए, मतलब ऐसा आएगा ना कि आप लोग उसमें देखोगे ही देखोगे और आपका टाइम वेस्ट होता है। 10 तरह का वीडियो देखोगे, वो स्टूडेंट देखते हैं जो कि अभी नए नए स्टूडेंट अभी नया स्टार्ट किए हैं, कि हाउ टू स्कोर 360 इन बायो, सॉरी 340 इन बायोलॉजी, और डायरेक्टली बोले तो हाउ टू स्कोर मोर देन 600+ मार्क्स इन जस्ट 3 मंथ और इन जस्ट 4 मंथ, जो भी अभी मंथ बच गए हैं, 4 मंथ नेक्स्ट ईयर के और 1 मंथ इतना, मतलब 5 मंथ में। ठीक है, ऐसे ऐसे आएंगे जो कि मैं बता दे रहा हूँ, इट इज़ इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है ये 600+ मार्क्स लाना है इन 5 मंथ में। ठीक है, तो इन ये जो है 600+ किसके लिए है, ये 600+ है सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो जून से मेहनत करके आ रहे हैं, यही रियलिटी है यार। और जो अभी से स्टार्ट करके अब भी अगर देख रहे होंगे, नवंबर से नौ स्टार्ट किए होंगे वो, अगर देख रहे होंगे दिसंबर से स्टार्ट करेंगे वो, अगर देखेंगे आगे चल करके, तो बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को ये लोग जो अभी हैं जून से पढ़ रहे हैं वो अभी 14 आवर्स पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। मतलब कहने का है कि जो मेरे साथ पहले से लगे हुए हैं, पिछले एक एक साल से लगे हुए हैं, ठीक ना, पिछले साल से जुड़े हुए हैं स्टूडेंट, वो लोग अभी तो स्टार्ट करना ही करना है 14 घंटे पढ़ना। तो आप लोग कितना पढ़िएगा, दिन में तो 24 घंटा होता है, ये लोग साल भर से पढ़ रहे हैं और अच्छा मेहनत कर रहे हैं, किसी का 490 किसी का 500 मार्क्स पे आ करके रुक गया था, ठीक है, कट ऑफ 5 चला गया, तो वो तो फोड़ने वाले हैं इस साल। ठीक है, तो वो लोग अभी 14 आवर्स पढ़ेंगे, अब बचता है आपके पास 24 आवर्स एक दिन में, तो कितना पढ़ोगे कि इसे पकड़ लोगे, इम्पॉसिबल है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब एकदम सिंपल सा है कि फालतू के वीडियोस में टाइम वेस्ट मत करना, कि 3 महीने में 600 लेकर के आओ, इतने महीने में उतना मार्क्स लेकर के आओ, ठीक है, वो नहीं होता। क्लियर है, जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनका 600 मार्क्स अभी से कैसे आएगा इन 5 मंथ, मतलब कैसे रिवीजन करें, क्या करना है, क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ सबसे फटाफट। पूरा पीसीबी का इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देता हूँ, क्या क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। अभी क्या करना है कि फिजिक्स में आप लोगों को, अगर आप लोग 14 आवर्स दे दो यार इस साल, दे दो, बोलोगे कि 14 आवर्स पढ़ेंगे, 2 आवर्स अपना खाने पीने का निकाल लो, 1 आवर्स एक्स्ट्रा और कर लो, तो 3 आवर्स बचता है कितना, टोटल 7 आवर्स, तो 7 आवर्स सो, पढ़ने सोने और खाने के अलावा, 3 काम के अलावा कोई काम नहीं होना चाहिए अभी, क्योंकि अगर अभी आप लोग किसी और में टाइम दे दोगे ना, तो फिर जीवन में आपके पास कुछ नहीं रहेगा करने को। ठीक है, तो प्लीज़ 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 इस पे फोकस करो, उसके बाद तो लाइफ सेट है आपकी, और ये समय कभी नहीं आएगा लाइफ में, अगर कभी आपका ये समय आता है तो मुझे कॉल करना और बताना, ठीक ना, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आता मेरे लाइफ में भी। आज जो मैं शूट कर रहा हूँ, ये जो समय है, ये समय चला जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना, तो बस 14 आवर सब पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्लियर है, अब कैसे करना है, 14 आवर्स में फिजिक्स को 7 आवर्स देना, उसके बाद बायोलॉजी को 2-3 आवर्स एंड केमिस्ट्री को 2-3 आवर्स, बचता है 1 घंटा, तो 1 घंटा में रैपिड रिवीजन बोलते हैं, रैपिड रिवीजन करना है। कैसे रिवीजन, 15-20 मिनट में, जो बायोलॉजी 3 घंटे में आप लोगों ने पढ़ा है उसको 15-20 मिनट में रिवाइज करना है, या यूनिट 1 रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन को 20 मिनट में, इंपॉर्टेंट रॉकेट पॉइंट्स बनाओ, वो रॉकेट पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, मेरा नोट्स पढ़ लो ना, 15 मिनट में नोट्स फिनिश हो जाएगा पूरा रिप्रोडक्शन, 4 चैप्टर्स हैं, चारों चैप्टर्स फिनिश हो जाएंगे, ठीक है, अच्छे तरीका से फिनिश हो जाएंगे, जहाँ से क्वेश्चन आपका आता है। 3 घंटे में केमिस्ट्री जो आप लोग पढ़े हो उसे 15-20 मिनट में करना है, आधे घंटे में बायोलॉजी और केमिस्ट्री निपटा दो, और आधे घंटा रिवीजन, जो 7 घंटे आप लोग पढ़े यहाँ पे वो आधा घंटा इसमें निपटा दो, ठीक है, 1 घंटा रिवीजन के लिए रखना। तो इस तरीका से पढ़ना है कब तक, दिसंबर तक, और ये मैं पर्सनली भी अगर किसी का मैसेज आता है तो उनको भी बताता हूँ सॉरी कि अभी फिजिक्स पे थोड़ा फोकस अच्छा से करो, क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना जो कि आपको मार्क्स दिला के कॉलेज में पहुंचा भी सकता है और आपको कॉलेज में जाने से रोक भी सकता है, बैरियर अगर कोई है तो फिजिक्स है, और ना आपको केमिस्ट्री रोकेगा ना आपको बायोलॉजी रोकेगा, बायोलॉजी तो आगे ही ले जाएगा आपको, केमिस्ट्री भी आगे ले जाएगा, बस रोकेगा तो फिजिक्स रोकता है, तो फिजिक्स को अभी ही खत्म कर दो। पहला चैप्टर
काइनामेटिक्स, ठीक है, काइनामेटिक्स में आप लोगों का अच्छे से क्लियर करना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी विथ कोलिजन एंड सर्कुलर मोशन, ये पहले चैप्टर अच्छा से देख लो, ठीक है। फिर आता है आप लोगों का सेंटर ऑफ मास, इसी में सेंटर ऑफ मास रखना। फिर आएगा रोटेशन, गिन चुन के कुछ चैप्टर बताऊंगा मैं। फिर आप लोग रखो SHM एंड वेव्स, SHM एंड वेव्स। फिफ्थ नंबर में ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन। सिक्स्थ नंबर में आप लोग फ्लूइड्स, फ्लूइड्स मतलब हाइड्रोडायनेमिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स का कहानी, ठीक है, ये आप लोगों का। और सेवन नंबर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर, एंड कैपेसिटर ये अलग से पढ़ो, ठीक है। और एट नंबर करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एंड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये आठ फिजिक्स में अलग से पढ़ो। और इसको अलग से इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसमें देखो बंडल है, क्वेश्चन का ना भंडार है, ये चैप्टर्स क्वेश्चन के भंडार है। अभी सेकेंड आएगा वो भी चैप्टर क्वेश्चंस के भंडार होंगे, ये दोनों मिला करके आपका पांच क्वेश्चन लेकर के आएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, कोलिजन, सर्कुलर मोशन को लेकर के, और सेंटर ऑफ मास, काइनामेटिक्स, मिला करके पांच से छह क्वेश्चन ये देंगे आपको। रोटेशन अगर किस्मत आपका सही रहा तो चार क्वेश्चन अकेले ले जाएगा रोटेशन, ठीक है, और नहीं तो तीन क्वेश्चन मस्ट है कि लेगा ही लेगा, ठीक है। और SHM एंड वेव्स चार क्वेश्चन, 99.9% है कि चार क्वेश्चन आएंगे SHM एंड वेव्स से, पर 0.1% चांस है कि थ्री क्वेश्चन आए मैक्स मिनिमम, ठीक है, मिनिमम तीन क्वेश्चन होता है या मैक्सिमम तीन क्वेश्चन, तीन से कम नहीं आएगा, 99.9% की चार क्वेश्चन। ग्रेविटेशन दो क्वेश्चन से एक क्वेश्चन, ठीक है। फ्लूइड अगर सही से पूछा जाए तो फ्लूइड में आप लोगों का सरफेस टेंशन वगैरह वगैरह अगर सारा कुछ मिला देते हैं तो आप लोगों का तीन से चार क्वेश्चन फ्लूइड भी ले लेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर थ्री क्वेश्चन, और करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड अल्टरनेटिंग करंट मिला करके तीन दो पाँच, पाँच से चार क्वेश्चन। तो ये देखो क्वेश्चंस का भंडार है, पाँच चार नौ, नौ चार 13, 13 दो 15, 15 5 20 और 6 26, 26 से 27 क्वेश्चन आपका, 26 से 25 क्वेश्चन आपका यहाँ से आने वाला है, ठीक है। अब क्या बचता है फिजिक्स में, ऑप्टिक्स बचता है, मैग्नेटिक्स बचता है, मैग्नेटिक्स। फिर आप लोगों का थर्ड नंबर पे आता है मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर। फोर्थ नंबर में है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और सारा कुछ, सरफेस टेंशन वाला जो इधर बताया है वो समझ लो कि इधर भी पढ़ते हैं, कैलोरीमीटर का एक चैप्टर आता है वो भी इधर पढ़ते हैं, तो सारा कुछ वो है। और मैंने फॉर्मूला बता दिया, सारा कुछ क्लियर कर रखा है पहले से, क्लियर है। और कुछ आप लोगों का नहीं छूट रहा, यहाँ से चार क्वेश्चन मस्ट है, मैग्नेटिक्स से पांच क्वेश्चन, मैग्नेटिक्स में पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक्स, मैटर, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, सारा कुछ मिला करके पांच क्वेश्चन। मॉडर्न फिजिक्स से छः से सात क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स से छः से सात क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स मीन्स थर्मोडायनेमिक्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, हीट एंड ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर करके एक चैप्टर है, बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मूला वार्मूला सारा कुछ दे दिया है, सारा कुछ बता दिया, वहीं से क्वेश्चन पूछता है और पूछा भी है। और कैलोरी मीटर, ठीक है, मैंने टेस्ट डाला था, टेस्ट का पेपर उठा करके देख लेना, मिल जाएगा आप लोगों को, छः से सात। तो एक तरफ है इतने चैप्टर्स और एक तरफ है इतने चैप्टर्स, यहाँ से भी वही है, सात सात 14 14 5 19 19 4 23, और मिनिमम लो तो 20 20 क्वेश्चन देख लो, एकदम एग्जैक्ट है 25 20 23 26, ठीक ना। इस तरीका से आप लोगों का फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पढ़ना क्या है, NCERT फर्स्ट नंबर में, इसके अंदर बाहर का क्वेश्चन सॉल्व करना है, NCERT का, NCERT का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। दूसरा फिजिक्स इन प्लेग्राउंड के टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं, मीन्स करने हैं, ठीक है, बनता है तो बनता है, नहीं बनता है क्वेश्चन देख लेना और उसको कोशिश करना बनाने का, बुक वुक जो खोल के बना सकते बनाओ, ठीक है। और जो आप लोग मॉड्यूल सॉल्व करते हो वो मॉड्यूल सॉल्व कर लो, और मॉड्यूल लिख ही दे रहा हूँ क्योंकि यार पैसा लगा उस पर तो उसको निकाल लो। और तीसरा, आप लोग जितना एग्जाम दिए हैं एग्जाम में जितना मिस्टेक हुआ है वो मिस्टेक्स को सारा क्लियर करना है,
ठीक है, ये फोर्थ नंबर हो गया मिस्टेक्स क्लियर करना। फाइव नंबर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो कि उसका क्या पूछा है और किस ईयर में पूछा है और क्या फॉर्मूला पूछा गया है, सारा कुछ आपका याद हो जाए। ठीक है, फिजिक्स में अगर सही स्कोर करना है तो इतना कर लो, कोई नहीं रोकेगा आपको। फिजिक्स फिजिक्स कुछ नहीं है, फिजिक्स दो चीज़ से बना हुआ है, फिजिक्स कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूले से बने हुए हैं। ठीक है, और कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला को मिला करके न्यूमरिकल, कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला मिला करके बनता है न्यूमरिकल। ठीक है, यही और कुछ नहीं है। इसके अलावा अगर कुछ न्यूमरिकल में यूज होता है तो जरूर मैसेज करना कि इसके अलावा क्या होता है। कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला दो ही चीज आप लोग इस्तेमाल करते हैं। अब ये मत लिख देना ब्रेन, ठीक है, ब्रेन इस्तेमाल वो। चलो हो गया, ये फिजिक्स का कहानी हुआ। केमिस्ट्री बोलूंगा कि सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में कुछ भी स्किप नहीं करना, सिंपल यही है। पढ़ना क्या है तो एनसीईआरटी पढ़ना फॉर इनऑर्गेनिक। हर बार एक ही चीज को बोलते बोलते थक गया हूँ। एनसीईआरटी प्लस मेरे ये बना लो काफी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कोई ऑर्गेनिक में फायदा होगा नहीं, ठीक ना। बट मेरा वो नोट्स बना लेना और एनसीईआरटी पढ़ लो सही ढंग से, आप लोगों का हो जाएगा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। बात रहा फिजिकल तो 100% पूछा था और अभी भी पूछेगा क्योंकि जेईई मेंस लेवल का क्लियर किया है मैंने। ठीक है, तो फिजिकल का कोई टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ जाना है फिजिक्स इन प्लेग्राउंड क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्मूला सारा कुछ डाला हुआ है। सॉल्व करते चलो, टेस्ट बनाते चलो, केमिस्ट्री हो जाएगा और केमिस्ट्री में आप लोग अच्छा स्कोर करोगे। बात रहा बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में 7 चैप्टर को पहले अलग कर देता हूँ मैं। केमिस्ट्री समझ में आ गया ना, कुछ भी स्किप नहीं करना है, सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में मैंने 2 पार्ट में बांट दिया, इधर कर लो तो 20-23 क्वेश्चन मिनिमम 20 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप लोग मैच करवा लेना। ठीक है, और इधर मैक्सिमम आप लोगों का 25 क्वेश्चन से 26 क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा। ठीक है, तो बांट दिया है 4 चैप्टर इधर का है और इधर आप लोगों का 8 है, तो जो करना अच्छे से करके चले जाओ। अब आता है, इसलिए इसको बांटा क्योंकि कम महीना है कम समय है, तो इसको पहले क्लियर कर लो उसके बाद नीचे से ऊपर चले जाओ, हो जाएगा खत्म। ठीक ना, नीचे से ऊपर जाना क्योंकि नीचे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब फिर ऊपर चले जाना या ऊपर से नीचे आना, बीच से कुछ मत उठाना, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर या से ऊपर या यहाँ से नीचे या नीचे से ऊपर, इस तरीके से पढ़ना। फिर आता है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में आप लोगों को क्या इंपॉर्टेंट है, पहला रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा राइटिंग अब मेरा बन चुक गया वैसा, तो बोल रहा हूँ तो उसे सुन लेना, आप लोग का भी हो जाएगा राइटिंग। रिप्रोडक्शन हो गया, फिर आप लोगों का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला फर्स्ट यूनिट लिविंग वर्ल्ड, तीसरा आप लोगों का आता है इकोसिस्टम, इकोलॉजी बोलते हैं, इकोलॉजी वाला यूनिट, यूनिट की बात हो रही है बता दे रहा हूँ मैं। यूनिट में रिप्रोडक्शन में 4 चैप्टर है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो चैप्टर्स की नहीं यूनिट की बात हो रही है। जेनेटिक्स आता है, जेनेटिक्स देख लेना, जेनेटिक्स देखना क्या बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आएगा। फिर आप लोगों का होता है सेल, और 6ठा नंबर पे आप लोगों का आता है 12th क्लास का 1, 2, 3 आ गया एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी ये हो गया 6। यहाँ से आएगा 12 क्वेश्चन, मतलब यहाँ से 8 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन, बाकी 12-12 एवरेज ले सकते हैं, 12-12 नहीं तो 10, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 12, मिनिमम 10 मैक्सिमम 12, और यहाँ पे मैक्सिमम 10 मिनिमम 8। ठीक है, ये हो गया एक तरफ का, और दूसरा तरफ में आप लोगों का जो चैप्टर बचता है वो चैप्टर बोलिए, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना बहुत है पर आएगा क्वेश्चन 5। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना क्या है, एनसीईआरटी, इसके अलावा कुछ नहीं। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक और फटाफट कंप्लीट करना है तो इसी तरीका से कंप्लीट करो, सबसे अच्छा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। देखो हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गया, यहाँ पे 14-16 होगा, ठीक है 14-16, बाकी सेम है, मिनिमम 10 मैक्सिमम 12 क्वेश्चन, बस 10 10 10 10 ही पूछा जाएगा, टेंशन मत लेना। और सेल बायोलॉजी से 8 या 10 पूछा जाएगा, 2017 में आप लोगों से 10 पूछ दिया गया, फिर 8 पे आ गए, और 2017 में बायोलॉजी में एनिमल फिजियोलॉजी 16 क्वेश्चन, फिर 14 क्वेश्चन, फिर 12 और 13 क्वेश्चन। ठीक है, तो मैक्सिमम आएगा 16, मिनिमम 14-13, 14 से कम नहीं आएगा, थोड़ा सा ये हड़बड़ी में चला गया। ठीक है, यही है। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।